हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं दिखाऊंगी पालक पनीर रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पालक को उबालने के लिए रख दिया है। पालक उबालने के बाद मैं इसे पेस्ट बना लूँगी और इधर मैंने पनीर को कर लिया है कट। अब पैन में तेल डालकर पनीर को मैं कर लूँगी फ्राई, उसके बाद निकाल लूँगी। मैं ज़्यादा फ्राई कभी भी नहीं करती हूँ पनीर को, नहीं तो वो हार्ड हो जाता है, सॉफ्ट नहीं रहता बिल्कुल भी। और यहाँ पर मैंने पालक को भी पेस्ट कर लिया है। अब उसी सेम पैन में थोड़ा और तेल डालेंगे और यहाँ पर मैंने थोड़े से खड़े गरम मसाले डाल दिए, जो भी अवेलेबल हो आपके पास। फिर यहाँ पर मैंने प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और यहाँ पर मैंने ऑफ़ कैमरा टमाटर का पेस्ट भी डाल दूँगी, वो मैंने दिखाना भूल गई। फिर हल्दी, नमक, मिर्च, जो भी मसाले आप लोग खाते हो वो मसाले ज़रूर ऐड करना अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही तेल निकलेगा मसालों में से, यहाँ पर हमने डाल दिया उबला हुआ पालक का पेस्ट। मिक्स करने के बाद जैसे इसमें से तेल निकल आएगा, हम थोड़ा सा डाल देंगे पानी और बहुत देर तक अच्छे से पकाएंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चीनी डाला है ताकि जो पालक का कलर है वो चेंज ना हो। आप देख सकते हो मेरा पालक बिल्कुल काला नहीं हुआ है, एकदम हरा हरा है। फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया पनीर। पनीर डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून लेंगे अच्छे से। बस ऊपर से थोड़ा सा घी और गरम मसाला डाल दूंगी। ये होममेड गरम मसाला है, मैंने खुद बनाया है इस गरम मसाले को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।